एसईओ के प्लेटफॉर्म से जो बड़ी खबर आई उस पर हम बात करेंगे, लेकिन फिर साहब क्योंकि आप लंदन में बैठे हैं और यहाँ इंटरनेट के मिसाइल की वजह से अपडेट्स में भी तातुल का सामना है, तो मुख्तलिफ मकामात से फौज के दस्ते इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो चुके हैं और 12 बजे से आर्टिकल 245 का निफाज हो जाएगा। मुझे आपसे ये जानना है कि क्या तब सिचुएशन काबू में आ जाएगी? इसमें एक इंटरेस्टिंग पहलू है, वो ये है कि 245 की जो इम्पोजिशन है और फौज को हैंडओवर करना, वो आज रात 12 बजे से शुरू होगी जी और 7 दिन के लिए चलेगी। सवाल ये है मेरे जहन में, क्या दोपहर 12 बजे क्यों नहीं इसको इम्प्लीमेंट किया, रात 12 बजे क्यों? तो किसी वक्त भी कर सकते थे। तो मेरा ख्याल है कि रात 12 बजे इसलिए किया है कि मौका मिल जाए पीटीआई को कि वो परहेज करे, पीछे हटे, क्योंकि अगर ये 12 बजे आज अनाउंस हो जाता जिस वक्त तक ये सब लोग चल पड़े थे तो फिर तो इनेविटेबल था कि क्लैशेस होते। तो मेरा ख्याल है ये टाइम दिया गया है कि आप लोग सोच लें, अब फौज मूवमेंट आ गई है मगर अभी 245 लगा नहीं है, आप अभी भी टाइम है स्टेप बैक, बिकॉज अगर ये सुबह ही लगा देते जैसे जब चाहे लगा सकते थे ना, तो उस वक्त तो ये चल पड़े थे। तो ये फैसला मेरा ख्याल है लेट हुआ है, डिस्कशन इस पे जरूर हुई थी बिकॉज मोहसिन नकवी ने कुछ बात की थी जिससे ये लग रहा था कि कुछ स्पेशल चीज क्रैक डाउन होगा। तो मगर ये टाइमिंग जो है इसकी इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये एक और मौका दिया जा रहा है। और ये जो बातें हैं कि जैन कुरेशी की और गड्डापुर साहब की, ये मेरा ख्याल है कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके के साथ कोई समझौता हो जाए या मुआहदा हो जाए कि ये बैक ऑफ कर जाए, ये लोग जितनी झड़पें ऑलरेडी हो रही हैं ये खत्म हो जाए और ये लोग बैक ऑफ कर जाए और कल परसों बिल्कुल आगे इस्लामाबाद की तरफ रुख करने की हिम्मत ना करें। ठीक है ठीक है, तो अब जो वक्त दिया गया है सोचने समझने के लिए, देखते हैं कि उसके बाद क्या फैसला होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है इस वक्त सारी निगाहें। अगला जो अहम मामला है वो है एसईओ का प्लेटफॉर्म। इससे पहले हमने देखा कि भारत की वजह से साफ का प्लेटफॉर्म पनप नहीं सका था। फिर साहब जय शंकर जो पाकिस्तान को इससे पहले टारगेट करते रहे और जनरल असेंबली सेशन में भी उन्होंने पाकिस्तान को नहीं बख्शा और कहा कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बेसिकली कारमा है, पाकिस्तान को अपने इकदामात का ही नतीजा मईशत की सूरत में और मुल्की हालात की सूरत में काटना पड़ रहा है। भारतीय मीडिया ने ये रिपोर्ट किया और भारतीय वजारत खारजा ने भी ये बताया कि जो एसईओ समिट होने जा रहा है उसमें नरेंद्र मोदी साहब तो नहीं आएंगे बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने इन्विटेशन दिया था, लेकिन जयशंकर साहब आ रहे हैं। तो वो पाक भारत ताल्लुकात जो 76 साल की निचली तरीन सतह पर हैं और लास्ट विजिट 2015 में सुषमा स्वराज साहिबा का हुआ था, उसके बाद ये कितनी बड़ी पेशरफ्त हो सकती है जयशंकर साहब का पाकिस्तान आना पाक भारत ताल्लुकात के तनाजुर में? देखिए आपको याद होगा कि पिछले 2 दिन प्रोग्राम में मैंने पिछले हफ्ते ये कहा था कि मोदी साहब तो नहीं आएंगे मगर फॉरेन मिनिस्टर आएंगे। मेरा ख्याल है वो ऐड कर लेते हैं। जी जी मेरा ख्याल है आपकी प्रेडिक्शन ऐड कर लेते हैं जो आपने पेशगोई की थी उसे शामिल करता हूं। जी मेरा ख्याल है वो खुद तो नहीं आएंगे बिकॉज दैट वो मेरा ख्याल है वो समझेंगे ये रॉन्ग सिग्नल जाएगा कि जी हम शायद तैयार हो गए हैं या हम कमज़ोर हैं तो इसलिए हो गए हैं, वो नहीं आएगा मेरा ख्याल। मगर हो सकता है कि वो कोई डेलीगेशन भेज दें अपनी, मतलब स्टेट मिनिस्टर लेवल या इवन फॉरेन मिनिस्टर को भेज दें टू रिप्रेजेंट इंडिया। मगर क्या वो, बिकॉज उन्होंने पैगाम तो जो दिया है पहले उसी को बरकरार रखना है, तो आई डोंट थिंक नरेंद्र मोदी इज़ गोइंग टू कम। वो अपनी शायद रिप्रेजेंटेशन भेज दें बिकॉज वो बॉयकॉट भी नहीं करना चाहेंगे बिकॉज डोंट फॉरगेट जब लास्ट मीटिंग हुई थी तो हम रिप्रेजेंटेशन हमने की थी। तो सिट सब क्या समझते हैं कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है ये फैसला भारत का? नहीं ये इतना बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं है, हालांकि हमारी फॉरेन ऑफिस ने इसको ट्राई किया इसको कि ये सब ब्रेक थ्रू नहीं है। जयशंकर साहब ने 2-3 बातें इससे कबल की हैं जो सोचना चाहिए कि उनका मतलब क्या है। एक तो बड़े हार्ड लाइनर हैं, ही इज अ वेरी वेरी बिग हार्ड लाइनर अगेन। ये वहाँ इंडिया के अंदर जो 4-5 हार्ड लाइनर्स हैं विज़ अवी पाकिस्तान, उनमें से जयशंकर साहब भी एक हैं।
ये इससे पहले इंडिया के एम्बेसडर रहे हैं टू द यूनाइटेड स्टेट्स, और अब इनको मेरे ख्याल 5 साल होने जा रहे हैं, शायद ज्यादा ही होने जा रहे हैं एज फॉर्म मिनिस्टर. सो ही इज क्लोज टू नरेंद्र मोदी. अच्छा, अब बात यह है कि इन्होंने ये दो बातें कही हैं. जी एक तो इन्होंने ये बात कही है कि हमने जो काम करना था वो हमने कर लिया है, आई ई कश्मीर, और उसके ऊपर तो अब कोई बैक ट्रैकिंग या कोई बातचीत का कोई गुंजाइश नहीं है, वो तो फिनिश्ड है, एट्स द एंड ऑफ द मैटर, नंबर एक. नंबर दो, उन्होंने एक बात और इंटरेस्टिंग कही है. उन्होंने कहा इंडिया का जो रिएक्शन होगा इन टर्म्स ऑफ रिलेशंस विद पाकिस्तान वो डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है टुवर्ड्स इंडिया. मतलब ये, और क्या उन्होंने फिर इसकी वजाहत भी की कि अगर पाकिस्तान टेररिज्म वगैरह बंद करता है तो वी विल रेसिप्रोकेट, और अगर पाकिस्तान और ट्रबल मेक करता है तो वी विल ऑल्सो मेक ट्रबल. तो मतलब ये है कि उन्होंने अब रास्ता खोल दिया है फॉर अ स्लाइट मूवमेंट फॉरवर्ड. मगर प्रॉब्लम ये है कि अब हाल ही में जैसे यहाँ दहशतगर्दी बढ़ रही है पाकिस्तान में, स्पेशली बलोच लिबरेशन फ्रंट की और तालिबान की, और उसके पीछे हमारे फॉरेन ऑफिस और हमारी एस्टैब्लिशमेंट का ये मौकफ है और गवर्नमेंट का कि इसके पीछे इंडिया का हाथ है, तो कश्मीर के अंदर रेजिस्टेंस फिर उभरी है, और इंडिया वाले ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने अपना हाथ फिर पहुंचा दिया है वहां कश्मीर तक. एविडेंस कोई नहीं है इसकी, मगर उनकी तरफ से इल्जाम लगना शुरू हो गया. तो अब बात यह है कि ये आमतौर पर होता है ऐसे, जब एक साइड कोई इकदाम करे या कोई कदम उठाए जिसके साथ दूसरी साइड को तकलीफ होती है तो फिर वो रेसिप्रोकेट करती है, सब जीरो गेम होती है. तो इस किस्म के हालात हैं इस वक्त. मैं नहीं समझता जिस किस्म के हालात पाकिस्तान में हैं, बड़ी इंस्टेबिलिटी है इस वक्त, इन हालात में कोई नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ सकते हैं. अच्छा सिट साहब, एक अरसा से ये कहा जा रहा है कि जैसे ही मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आती है तो भारत के साथ ताल्लुकात की जो कोशिशें वो तेज हो जाती हैं. आपको याद होगा इसहाक डार साहब भी लंदन पहुंचे थे तो उन्होंने गुफ्तगू की थी पाक भारत ताल्लुकात को मामूल पे लाने के हवाले से एफर्ट्स की, तब आपने एक पेशगोई की थी. बात बिल्कुल चल रही है, फॉरन ऑफिस में भी चल रही है और स्टेक होल्डर से भी बात चल रही है, और ग्रीन लाइट मिल गई है कि इसको आगे बढ़ाएं, हल्का हल्का करके आगे बढ़ाएं. अच्छा. इसको टेस्ट करें पानी को. तो इसमें स्टेक होल्डर्स और ऑन बोर्ड, चिड़िया की खबर ये है कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ग्रीन लाइट मिल गई है. ओके, गो अहेड, गो अहेड मिल गया है कि स्टडी करें इसको. अच्छा. अगर करना है तो कैसे करना है, किस स्टेज पे करना है, क्या फायदे हैं उसके, क्या नुकसान है, पूरा है इसके ऊपर एक बनना चाहिए. मगर इन प्रिंसिपल कोई रुकावट नहीं है. आपके ख्याल में क्या एससीओ प्लेटफॉर्म को अवलियत दे रहा है भारत या पाकिस्तान आने को, और अपनी तरफ से एक जेस्चर दे रहा है कि हम मुख्तलिफ महाज पर मुख्तलिफ ममालिक पे अपनी खारजा पॉलिसी की नाकामी के बाद अब पॉलिसी शिफ्ट ले रहे हैं पाकिस्तान की तरफ? मेरा नहीं ख्याल कोई पॉलिसी शिफ्ट होगी. आई थिंक इंडिया सिर्फ ये दिखाना चाह रहा है कि वी आर नॉट ब्रेकर्स, हम एससीओ को अंडरमाइन नहीं कर रहे. जब तय हुआ था कि पाकिस्तान में होगा तो वी विल पार्टिसिपेट. मगर मेरा ख्याल है ये आप एससीओ में देखिएगा, ये मौकफ अपना तकड़ा ही रखेंगे, यहाँ कोई लीनियंसी नहीं दिखाएगा इंडिया. इसीलिए जयशंकर साहब आ रहे हैं, एंड आई थिंक जब बिलावल भुट्टो गए थे टू दी एससीओ उन्होंने भी कुछ बातें थी वो जी बिल्कुल कश्मीर का मामला लेकर उन्होंने गुफ्तगू की थी, और जयशंकर साहब ने टेररिज्म के मामले को इशू बनाया था तो भारतीय मीडिया को खूब मसाला मिला था. तो अब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी मसाला मिलेगा? एब्सोल्युटली, मेरा ख्याल है ऐसे ही होगा. तो इस तरह के प्लेटफॉर्म में जहां दीगर ममालिक भी मदऊ हों, फिर रशिया भी है, चाइना भी है, एफर्ट्स की जा सकती हैं पाक भारत ताल्लुकात को कम अज कम रमा रखने के लिए या बैकडोर चैनल्स खोलने के लिए कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आमादा हो सके भारत, क्योंकि इससे पहले एशिया कप के पाकिस्तानी सॉइल पर इनेकाद के लिए तो इनकार करता रहा. आशा, अगर कोई ब्रेक थ्रू हो ना तो वो प्राइम मिनिस्टर्स के दरमियान होती है, जैसे एक जमाने में नवाज शरीफ साहब और नरेंद्र मोदी की हुई थी. मेरा ख्याल है वहां भी एससीओ का मूड था, तो
مگر وہ بھی بیک ٹریک کرنا پڑ گیا کیونکہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو گئی تھی میاں صاحب کے ساتھ کہ آپ نے یہ کیا بات کہی ہے کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور کشمیر کی بات نہیں کی. تو جیسے ہی آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں, وہ نہیں بات کرتے آپ کے ساتھ, کہتے ہیں پھر رہنے دو. اینڈ تو اس لیے ان کی یہ کوشش تھی کہ کسی طریقے کے ساتھ کوئی ایسا سلسلہ ہو کہ ٹیررزم جو کہ انڈیا کی طرف سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے اس کو روکا جائے, کیونکہ وہ ہمیں کافی تنگ کر رہے ہیں, طالبان بھی اور بلوچ لبریشن والے بھی اور چائنا کو بھی ٹارگیٹ کر رہے ہیں. سو اٹس ہرٹنگ اس ناؤ اینڈ جیسے اٹ یوز ٹو ہرٹ دی انڈینز کشمیر میں جو ہوتا تھا. تو اینڈ فار دا سیم ریزن انڈیا کی پوزیشن یہی ہے کہ جی نب پتا چلا, ناؤ وی واٹ یو وی وانٹ یو, اب ہم کیوں ٹیپ ٹرن آف کریں. اور اوپر سے ہمارے جو انسٹیبلٹی چل رہی ہے ملک کے اندر, اکنامک کرائسس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل کرائسس, اس صورت میں انڈیا کوئی سافٹ سٹانس نہیں لے گا آپ کے ذریعے. وہ کہے گا ٹھیک ہے ناؤ دیر ان ٹربل, پریس دا بٹن ایون مور, پریس دا پیڈل. اینڈ فار دا سیم ریزن ڈار صاحب اینڈ ادرز کوشش کر رہے تھے کہ کوئی تھوڑی سی سافٹننگ ہو جائے,